राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, मैं आपके लिए लाई हूँ ये जूती। देखो कितनी प्यारी है, वूलन सॉक्स है और बहुत इजी है बनाने में। कुछ ही घंटे में बन के तैयार हो जाती है और ऊन भी बिल्कुल थोड़ी सी लगती है। तो करते हैं स्टार्ट। इसके लिए हमने देखो नॉर्मल ऊन लिया, ये दो कलर की ले लिए कंट्रास्टेड। आप अपनी इच्छा से ले सकते हो, जो भी आपकी बची हुई ऊन होंगी या आप जो भी चाहते हो कलर। तो ये और 10 नंबर की सिलाई ले ली मैंने, और सिंगल धागे से मैंने देखो 25 फंदे डाले हैं, 25 सिंगल धागे से 25 फंदे डाले हैं। अब मैं 2 सिलाइयाँ सीधी सीधी लूँगी पीछे की साइड। पहली 2 सिलाइयाँ सीधी सीधी लूँगी, पीछे की साइड बुनूँगी उल्टी को भी और सीधी को भी। तो देखिए 2 सिलाई हमने बुन ली हैं ग्रीन से। अब मैंने धागा चेंज करना है, इससे बुनूँगी सीधी सीधी बुननी है हमने हर सिलाई पीछे की साइड ही। इसमें यहाँ गांठ लगा दूँगी। तो अभी हमने 25 फंदे पूरे बुने थे, अब इस धागे से मैंने 20 फंदे बुनने हैं। 20 बुनने हैं, 5 वाले लास्ट छोड़ देने हैं। अभी बताती हूँ मैं। ये देखो ये 5 फंदे बच गए मेरे और ये 20 मैंने बुन लिए हैं। अब मैं यहीं से टर्न हो जाऊँगी इस तरह से और धागा पीछे कर लूँगी और फिर सीधी सीधी सिलाई लेनी है। देखो फिर हमने ग्रीन धागा लेना है। पहला फंदा आप उतार सकते हो इस तरह से दोनों साइड से। ये देखो अब हमने ग्रीन बुनना है, तो ग्रीन हमने पूरा पूरा बुनना है। ये मेन कलर हो गया हमारा ग्रीन, इसको हमने पूरा पूरा बुनना है। सिलाई आपने सीधी रखनी है पीछे की साइड ही। ये देखिए ये 5 फंदे जो बचे थे ये भी हमने बुनने हैं साथ ही। ये हो गए। अब यहाँ से आप पहला फंदा उठा सकते हो, उतार सकते हो, आपकी मर्जी है पूरी तरह से कि आपने क्या करना है। अब देखिए हमने धागा फिर चेंज कर दिया है, ऑफ वेट ले लिया है। अब इसमें हमने सिर्फ 10 फंदे बुनने हैं, 5 6 7 8 9 10, 10 फंदे और यहीं से हम टर्न हो जाएंगे। पहला फंदा उतारेंगे और इसको इस तरह बुनेंगे। फिर हमने ग्रीन ले लिया, अब ग्रीन को हमने पूरा ही बुनना है लास्ट तक। ग्रीन धागे को हमेशा लास्ट तक बुनना है, बाकी हमने ये ऑफ वाइट को ही बस चेंज करना है। और इसी तरह से हम इसकी लंबाई कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से आएगा। फिर हमने यहीं से इसी तरह से बुनना है। अब ये वाली सिलाई बुननी है 20 फंदे, फिर उसके बाद ऐसा कंटिन्यू रखना है हमने इसी तरह से। अब जैसे ही मैंने लिए सिलाइयाँ वैसे बुनना है। अब 20 फंदे मैं ऑफ वाइट से लूँगी। तो देखिए इस तरह से आएगा हमारा ये। और जो मैंने ये ध्यान रखना है आपने, ये वाला जो हमने लास्ट बुना है जहाँ से हम टर्न होंगे, इसको हमने यहाँ से उतारना है, बुनना नहीं है दोबारा से। इससे हमारा गैप नहीं आएगा और फिनिशिंग अच्छी आएगी।
बस यहीं से मुड़ना है आपने, और ग्रीन धागा आपने पूरा पूरा बुनना है। अब मैं आपको बता दूं कि ये देखो, ये मैंने बनाया है, ये देखो इस तरह से कर्व शेप आएगी इसकी। ये अगर ये वाली धारियाँ गिने तो ये 93 है, 93, और ये वाली गिनेंगे तो हम 42 हैं, 42। तो बाकी अगर पैर छोटा बड़ा होता है तो उसके लिए, अब देखो मेरा 6 नंबर है तो 6 नंबर के लिए परफेक्ट है ये। ये 93 धारियाँ हैं, 93, और ये 42 है, 42। लेकिन अब हमने कई बार छोटा बनाना है या थोड़ा बड़ा बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ। बाद में कमेंट आते हैं कि इस साइज़ को बताओ, इस साइज़ को बताओ, तो मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। ये देखो हमने इस तरह से नापना है इसको, ये देखो यहाँ से रखना है इसको, यहाँ से इस तरह ये रखना है, और इस तरह घूम के आएगा ये हमारा। थोड़ा हमने खींच के रखना है इसको, क्योंकि ये जो चीज़ है ये वाली नीचे वाली, इसको हमने इस तरह से रखना है, ये हमारी यहाँ ऐसे आनी चाहिए, ये नाप के ये देखो यहाँ से बंद होना चाहिए, ये देखो ये चीज़ बंद होनी चाहिए। इस तरह से नापना है अपने पैर को, ये देखो यहाँ से ये सिलाई आ जाएगी हमारी इस तरह से, यहाँ हम सिल देंगे इस, ये देखो ये नापने का सही तरीका है बिल्कुल। आप धारियाँ बिल्कुल मत नापो, इस तरह से नापो अपने पैर को, क्योंकि बच्चे का भी बनाना होता है या इससे बड़ा पैर भी होता है गैयों का, तो इस तरह से नाप के ये परफेक्ट होगी, ये कर्व शेप आ गई हमारी। अब इसको हमने क्या करना है, देखो यहाँ से इसको इस तरह से लेंगे और ये हम सुई से सिल देंगे इसको। अभी आपकी मर्जी, आप सीधी साइड से सिलना चाहते हो कि उल्टी साइड से, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप सिल सकते हो। ये सिलाई हमने यहाँ पे लगानी है, सिलना है इसको, फिर मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो देखिए सिल दिया मैंने, ये मैंने बाहर की तरफ से सिला है, सिलाई बिल्कुल नहीं दिख रही है, पता भी नहीं चल रहा कहाँ से सिला है, और ये सिलाई कर दी है। ये देखो इस तरह से आएगा ये बन के, और उसको पहन के दिखाती हूँ मैं। तो देखिए इस तरह से आएगा, कितनी फिटिंग आई है, कितना सुंदर आया है, देखो बिल्कुल फिट है 6 नंबर के लिए, और इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो इसमें आउटलाइन क्रोशिए से कर सकते हो, वैसे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है इसमें कुछ करने की। चाहो तो यहाँ फ्लावर वगैरह लगा सकते हो सजाने के लिए, अगर बच्चे का है तो, बाकी बड़ों का है तो फिर ऐसे ही ठीक है। तो कैसा लगा आपको मेरा बनाया हुआ वीडियो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।